गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम आवर चैनल वी आर गोइंग टू स्टार्ट इंजीनियरिंग मैकेनिक्स माई सेल्फ शैलन कुमार वर्मा अभी हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ने जाएंगे ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जैसा कि आप लोग जानते हैं और uh, ऐसा माना जाता है कि बहुत टफ टॉपिक है लेकिन ऐसा नहीं है अगर हम लोग बहुत बेसिक पार्ट से अगर स्टडी करेंगे बहुत ईजी हो जाएगा मैकेनिक्स में तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का मतलब क्या है और कैसे हम लोग इसको डील करते हैं इसके बारे में भी हम कौन कौन से कॉज होते हैं इसके बारे में हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स होता क्या है पहले तो किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हम लोग को उसका डेफिनेशन जानना है कि आखिर हम लोग उसको पढ़ते क्यों हैं उसका मीनिंग क्या है ठीक है आप लोगों ने नाइन्थ टेंथ एलेवन ट्वेल्थ में पढ़ा होगा डिप्लोमा में भी पढ़ा होगा कि जहाँ पर भी हम लोग पास मोशन का एनालिसिस करना है पोजिशन का एनालिसिस करना है वेलोसिटी का एनालिसिस एक्सेलरेशन का वहाँ पर हमें फ़ोर्सेज अप्लाई करने पड़ेंगे और फोर्सेज का स्टडी करना पड़ेगा कौन कौन से फोर्सेस किसी भी पार्टिकल पे काम कर रहे हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स फोर्सेस का एनालिसिस करता है और फोर्सेस का एनालिसिस करने से लिए जो बॉडी पे इफेक्ट आता है वही हम लोग देखते हैं अब केवल इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की वजह से हम लोग फ्लूड मैकेनिक्स पढ़ सकते हैं थर्मल का हम लोग मैकेनिक मैकेनिक्स पोर्शन पढ़ सकते हैं हम लोग फ्लूड मैकेनिक्स में हम लोग देख सकते हैं प्लस थ्योरी ऑफ मशीन हम लोग का कवर हो सकता है और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का बेसिक पार्ट जो है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स ही तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर मैकेनिकल इंजीनियर्स एंड सिविल इंजीनियर्स कि हम लोग इसके इम्पॉर्टेंस को बहुत ज़्यादा फील कर सकते हैं इसको समझ सकते हैं क्योंकि हम लोग जब तक फोर्स के बारे में स्टडी नहीं करेंगे हम लोग प्रेशर को नहीं समझ पाएंगे और प्रेशर और फोर्स को समझने के बाद हम लोगों को अप्लाई करना होता है स्ट्रेस के लिए तो हम लोग को इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का प्राइमरी बेसिक जो नॉलेज है वो होना चाहिए वो बेसिक नॉलेज क्या होता है ये बहुत इजी है इसके लिए कुछ गवर्निंग इक्वेशंस हैं और बहुत इजीली हम लोग कंसीडर कर सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी चैप्टर में कहीं पर भी अगर हमें फोर्सेस के बारे में एनालिसिस करना है या फोर्सेस का अगर बातचीत होता है तो वहां पर मैकेनिक्स जरूर ठीक तो है तो चलिए हम लोग मैकेनिक्स को स्टार्ट करते हैं आज और मैकेनिक्स में हम लोग देखते हैं कि क्या क्या हम लोग को चैप्टर्स पढ़ना है तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिस्टम ऑफ फोर्सेस एंड देयर एप्लीकेशन कि हमारे पास कितने तरीके के फोर्स होते हैं और कितने उनका एप्लीकेशन हम लोग कैसे कैसे कर सकते हैं सिस्टम का मतलब क्या होता है देखिए सबसे पहली बात हम लोग बहुत बार यूज़ करते हैं ये सिस्टम ऐसा है वैसे ये सिस्टम ऐसा है यहाँ पर काम करना है वैसे काम करना है तो सिस्टम का मतलब क्या होता है और इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है अगर एक फोर्स केवल काम कर रहा है तो हम लोग इंडिविजुअल फोर्स या सिंपली फोर्स कहेंगे लेकिन अगर दो या दो से अधिक फोर्सेज अगर हमारे पास काम कर रहे हैं तो सिस्टम ऑफ फोर्सेज कहलाते हैं तो सिस्टम ऑफ फोर्सेज को हम लोग समझने के लिए सिस्टम ऑफ फोर्स कुछ अलग से नहीं है फोर्सेज का कम्बिनेशन किसी भी बॉडी पर किसी भी पिंड पे अगर एक या एक से अधिक फोर्स लग रहे हैं तो हम लोग उसके बारे में बातचीत करते हैं तो सबसे पहले हम लोग बेसिक डेफिनेशन देखें कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का डेफिनेशन क्या होता है तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हमारे पास क्या है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स विज्ञान की वह शाखा है साइंस का वह पार्ट है जहां पे हम लोग फोर्सेस का एनालिसिस करते हैं और उसके प्रभाव को किसी पिंड पे जो अप्लाई किया गया है उसके प्रभाव को हम लोग अध्ययन करते हैं कि पिंड पे वो जा करके उसको मोशन कराएगा उसको रेस्ट में रखेगा इक्विलिब्रियम में रखेगा उसका एक्सेलरेशन करेगा क्या करेगा कैसे हमारे पास मोशन उसके ऊपर अप्लाई होगा उसी का अध्ययन करते हैं हम लोग यानी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसमें फोर्सेज के बारे में हम लोग एनालिसिस करते हैं आप लोग तो जानते हैं कि फोर्सेस हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है किसी भी बॉडीज का अगर हमें डिस्प्लेसमेंट देखना है या रेस्ट में सभी सब्जेक्ट में हम तो लोग इसका इन्वॉल्व करते हैं ठीक है तो चाहे हम लोग थर्मोडाइनेमिक्स पढ़ रहे तो पावर प्लांट पढ़ रहे तो फ्लूड मैकेनिक्स पढ़ रहे हों तो उसमें अगर कोई भी बॉडी अगर मोशन कर रहा है या रेस्ट कर रेस्ट में है तो उसका एनालिसिस हम लोग फिजिक मैकेनिक्स के ही मद, आ, म, 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 माध्यम से हम लोग करते हैं ठीक है तो मैकेनिक्स क्या हुआ अगर हम लोग कहें कि मैकेनिक्स अगर अगर क्या है डिफाइन डिका, करना हो मैकेनिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम लोग किसी भी पिंड मैके स्थिति और स्थिति जैसे कि हमारे पास वो रेस्ट में है कि मोशन में है उसका एनालिसिस ठीक है चलिए अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग मैकेनिक्स में क्या चीज हम लोग देख सकते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को हम लोग कैसे डिवाइड कर सकते हैं क्या क्या इसके पार्ट्स हो सकते हैं तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हमारे पास दो पार्ट में डिवाइडेड होते हैं एक हम लोग कहते हैं स्टैटिक्स और दूसरा हम लोग कहते हैं डायनेमिक्स ठीक है स्टैटिक्स का क्या मतलब है कि हमारे पास स्टैटिक्स का मतलब कि हमारे पास बॉडी रेस्ट में हो रेस्ट का मतलब क्या होता है मैकेनिक्स के टर्म्स में इसको दूसरे शब्दों में भी हम लोग कहेंगे बॉडी इन द रेस्ट जब हमारे पास बॉडी के ऊपर कोई भी नेट फोर्स हमारे पास क्या होना चाहिए जीरो होना चाहिए तो हमारे पास क्या होगा बॉडी रेस्ट में हो उसमें टॉर्क भी हमारे पास क्या होना चाहिए जीरो होगा तो हम लोग जब बॉडी का एनालिसिस किसी भी पिंड का एनालिसिस हम लोग उस वक्त करें जब वो रेस्ट में हो हम लोग उसके फोर्सेस या उसके बिहेवियर के बारे में स्टडी करें तो वो क्या कहलाएगा हमारे पास स्टैटिक्स uh, कहलाता है और हम लोग जनरली uh, जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ते हैं वो स्टैटिक्स का ही पोर्शन हम लोग पढ़ते हैं जिसमें हम लोग रिएक्शन फाइंड आउट करते हैं डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करते हैं ये सब हमारे पास जो करना होता है डायनेमिक्स हमारे पास क्या होता है डायनेमिक्स में हम लोग मोशन की बात बॉडी uh, के मोशन के बारे में बात करते हैं स्टडी करने के दो तरीके होते हैं मोशन को स्टडी करने के दो तरीके हैं कि अगर हम लोग ये कहें कि केवल मोशन को ही देखना है उसका कॉज कि वो फोर्स कहाँ से आया कैसे हुआ इसको अगर हम लोग एनालिसिस नहीं कर रहे हैं तो हमारे पास कहलाएगा कैनमेटिक्स शुद्ध गति की विश्लेषण तो शुद्ध गति की विश्लेषण का मतलब है कि उसमें हम लोग मोशन का अध्ययन करते हैं फॉर एग्जाम्पल कि हम लोग उसमें विस्थापन का अध्ययन करेंगे हम लोग उसमें टाल का अध्ययन करेंगे हम लोग उसमें वेग का अध्ययन करेंगे हम लोग उसमें त्वरण का अध्ययन करेंगे लेकिन त्वरण ये जो एक्सेलरेशन है डिस्प्लेसमेंट है ये वेलोसिटी कहाँ कैसे क्यों किसने प्रोड्यूस किया इसका हम लोग एनालिसिस नहीं करते हैं वो हमारे पास कहलाता है कानेमेटिक्स कानेटिक्स हमारे पास क्या है कानेटिक्स में हम लोग वेलासिटी मोशन और हम लोग एक्सेलरेशन त्वरण सब हम लोग देखते हैं लेकिन इसमें हमें फोर्सेस का भी एनालिसिस करना होता है मींस दैट कि हम लोग उसके कॉज को भी पढ़ते हैं कि ये मोशन अगर हो रहा है तो ये किसकी वजह से हो रहा है किसकी वजह से नहीं हो रहा है कहाँ से फोर्स आया कितना फोर्स लग रहा है क्या नहीं लग रहा तो हम लोग उसमें कैनेटिक्स की हम लोग बातचीत करते हैं ठीक है तो हम लोगों का अभी जो चैप्टर्स है कि हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम लोग सबसे बेसिक जो पार्ट है वो है कि बल होता क्या है फोर्स होता क्या है क्या कर सकता है फोर्स और किस तरीके से हम लोग किसी पिंड पे बल लगा देखो भाई किसी भी तरीके का कोई बॉडी हो तो हमारे पास फोर्स को अप्लाई करना है अगर उसका मोशन या उसका वेलोसिटी अगर चेंज करना है उसका पोजिशन चेंज करना है तो हम लोगों को फोर्स अप्लाई करना फोर्स क्या है सबसे पहले ये हम लोग देखें तो फोर्स वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति को परिवर्तित करता है या परिवर्तित करने का प्रयत्न करता है अगर वो परिवर्तित कर देगा तब तो, तो मोशन होगा और अगर परिवर्तित करने का प्रयत्न करेगा तो भी हमारे पास वो डिफॉर्मेशन मतलब उसमें हमें ये कर सकता है कि बॉडी के को परिवर्तित करे या करने का प्रयत्न ठीक है अब हम लोग ये कहें कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति को परिवर्तित करता है या करने का प्रयत्न करता है अब स्थिति में अगर परिवर्तन हो रहा है यानी अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तब भी अगर उसके ऊपर फोर्स काम नहीं करेगा हमें वेलोसिटी को चेंज करना होगा तब उसमें हमारे पास क्या आएगा फोर्सेस का इन्वॉल्वमेंट होगा तो हम लोग अभी देखेंगे न्यूटन्स के लॉ में मैकेनिक्स के लॉ में उससे पहले हम लोग ये देखें कि हम लोग किसी भी तरीके से अगर किसी बॉडी को फोर्स कैसे लगा सकते हैं तो हमारे पास सिर्फ दो ही तरीके हैं या तो हम लोग किसी बॉडी को पुश कर सकते हैं या किसी बॉडी को पुल कर सकते हैं फोर्स सबसे पहले हम लोगों ने कहा कि फोर्स क्या है तो फोर्स वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति को क्या करता है हमारे पास एक्सटर्नल एजेंसी ये हमारे पास क्या है फोर्स किसी भी वस्तु की स्थिति को परिवर्तित करता है या परिवर्तित करने का क्या करता है प्रयत्न करता है. तो सिंपल सी बात है हमारे पास कि अब हमें फोर्स अप्लाई करना होगा तो किसी बॉडी पे मान लिया जाए कि ये हमारे पास बॉडी है और हम लोग फोर्स के आगे बॉडी को रखे हुए हैं और फोर्स पीछे की तरफ लगा हुआ है तो ये जो फोर्स कहलाएगा ये क्या कहलाएगा हमारे पास टाइप का कहलाए हम इसको ढकेल रहे हैं ठीक है तो ढकेलने के लिए हमारे पास बॉडी आगे होनी चाहिए और फोर्स क्या होना चाहिए पीछे होना चाहिए दूसरा हमारे पास क्या है पुल टाइप का अगर हम लोगों ने फोर्स आगे की तरफ लगाया है और बॉडी हमारे पास क्या है पीछे की तरफ है बॉडी हमारे पास क्या है पीछे की तरफ है तो हम लोग इसको खींचने का प्रयास कर रहे हैं तो ये कहलाएगा पुल टाइप किसी भी जगह पे अगर हम लोग किसी को इसको सपोज दैट के अगर मैं अपने गर्दन को इधर की तरफ रखना चाहता हूँ तो ये फोर्स जो लगाने वाला मेंबर है वो पीछे है और बॉडी आगे है तो हमारे पास ये कहलाएगा हमारे पास पुश टाइप का और अगर हम लोग इसको ऐसे पकड़ के खींचने का कोशिश करें अगर हम लोग ऐसे पकड़ के खींचने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास क्या कहलाएगा पुल टाइप का तो हम लोग किसी भी <coughs> हम लोग किसी भी तरीके से मैकेनिक्स में या फिर कहीं पर भी जो फोर्स अगर लगाना है तो दो ही तरीके से लगा सकते हैं या तो बॉडी को हम लोग पुश कर सकते हैं बॉडी को हम लोग क्या है? पुल कर सकते हैं ठीक है आई थिंक फोर्स फोर्स क्या है किसी भी बॉडी को आ, किसी भी पिंड का स्थिति परिवर्तित करता है या परिवर्तित करने का कोशिश करता है या उसके आकार को परिवर्तित करता है या परिवर्तित करने का कोशिश करता है और बल हमारे पास सिर्फ दो तरीके से लगाया जा सकते हैं या तो पुश टाइप में लगाया जा सकता है या पुल टाइप में लगाया जाता है ठीक है अब अगर हम लोग देखें डिफॉर्मेशन डिफॉर्मेशन लोड डिफॉर्मेशन का मतलब डिफॉर्मेशनल लोड का मतलब क्या होता है किस तरीके से हमारे पास हम लोग लगाएंगे किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स तो वो डिफॉर्म करेगा कि उसके उसमें मोशन प्रोड्यूस करेगा ये भी तो हम लोग को देखना है तो कब डिफॉर्मेशन होगा और कब नहीं होगा मान लिया जाए कि अगर कोई भी हमारे पास बॉडी है उसके ऊपर हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और फोर्स अप्लाई करने के लिए हम लोगों ने वो मोशन नहीं कर पा रहा है और हम लोग इसको दूसरे साइड से रोके हुए हैं तो ये जो फोर्स होगा हमारे पास ये बॉडी को के शेप को चेंज करने का कोशिश करेगा या चेंज कर देगा चेंज करने का प्रयास करेगा या चेंज कर देगा अब अगर हम लोग मूवेबल फोर्स हमारे पास क्या होता है मोशन कराने के लिए कि हमें उसको फ्री छोड़ना पड़ेगा बॉडी को सपोज दैट ये जो हमने सरफेस बनाया फ्रिक्शनलेस है घर्षण रहित है इस पर कोई घर्षण नहीं है यहाँ पे हमारे पास म्यू का वैल्यू जो हमारे पास क्या है वो जीरो है तो हमारे पास इसके ऊपर फोर्स हमने इस तरीके इस डायरेक्शन में लगाया इधर से हमने लगा दिया तो ये हमारे पास इस बॉडी को क्या करना चाहेगा मोशन कराना चाहेगा इस बॉडी को क्या करना चाहेगा भाई मोशन कराना चाहिए तो ऐसे फोर्स को हम लोग कहते हैं मूवेबल फोर्स और इसको क्या कहेंगे हम लोग डिफॉर्मेशनल फोर्स डिफॉर्मेशन मतलब वो बॉडी के शेप या साइज को हमारे पास चेंज करने का कोशिश फॉर एग्जाम्पल हम लोग सिंपल सा देखें जब

इसका अगर हम लोग डायग्राम में अगर देखें कि डिफॉर्मेशनल फोर्स क्या है देखिए ये हमारे पास फोर्स जो ये है चेंज करने का कोशिश करेगा बॉडी के शेप को चेंज करने का कोशिश करेगा और ये हमारे पास मोशन को आ, मोशन कराने का कोशिश करेगा इस बॉडी को हमारे पास आगे की तरफ मूव कराएगा ठीक है चलिए अब अगर हम लोग देखें कि हम लोग किसी भी फोर्स को किस तरीके से पहचान सकते हैं फोर्स कैसा क्वांटिटी हमने फोर्स का डेफिनेशन तो समझ लिया कि फोर्स है क्या फोर्स वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति को परिवर्तित करता है या परिवर्तित कोशिश करता, करता है तो फोर्स के बारे में एनालिसिस करना है तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और अगर फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होना चाहिए फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग किसी डॉक्टर के पास गए और तो डॉक्टर से ये बोला कि डॉक्टर साहब हमें चोट लग गई है दवाई दे दी तो सबसे पहला क्वेश्चन यही होगा कि चोट कहाँ लगी है कि हमें ये बताना पड़ेगा कि फोर्स कहाँ कैसे किस डायरेक्शन में लगा किसकी वजह से लगा ये सब हम लोग को बताना पड़ेगा मैकेनिक्स में डॉक्टर साहब को मैकेनिक्स तो आती नहीं है लेकिन फिर भी वो फोर्स के बारे में जानते हैं कि फोर्स अगर लगा है किस बॉडी पे किस जगह पे लगा है तो वो जानने की कोशिश करेंगे कि हाँ भाई फोर्स कहाँ पर लगा है तो फोर्स को कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए कौन कौन से पैरामीटर की रिक्वायरमेंट होती है एज एन मैकेनिकल इंजीनियर हम लोग को ये समझना चाहिए तो हमारे पास फोर्स को कंप्लीटली रिप्रेजेंट करने के लिए चार पैरामीटर्स की रिक्वायर चार पैरामीटर ये कौन कौन होते हैं अगर हम लोग ये कहें कि मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं परिमाण परिमाण मतलब क्या होता है मैग्नीट्यूड किसी भी सदिश राशि का को व्यक्त करने के लिए जिस न्यूमेरिकल वैल्यू का जिस आंकिक मान का हम लोग उपयोग करते हैं वही हमारे पास कहलाता है मैग्नीट्यूड क्या कहलाता है वो मैग्नीट्यूड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है मान लिया जाए कि हमारे पास कोई भी बॉडी है इसके ऊपर की तरफ इसके हमें इसको ऊपर की तरफ फोर्स लगाना है तो ऊपर की तरफ फोर्स हम यहां पर भी लगा सकते हैं यहां पर भी लगा सकते हैं डायरेक्शन हमने बता दिया है मैग्नीट्यूड भी हमने बता दिया कि हमें 10 न्यूटन का फोर्स ऊपर की तरफ लगाना है हम लोग कहीं पर भी लगा सकते हैं लेकिन ये इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इसका पॉइंट सभी फोर्सेस का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन अलग अलग हो गया तो हमें फोर्स को कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए हमें बताना पड़ेगा कि ये कहां पर कार्य कर रहा है बात तो हमने ये कह दिया कि दस न्यूटन का फोर्स अगर कोई भी ये कहेगा साहब कि हमें दस न्यूटन का फोर्स लगाना है ऊपर की तरफ तो साहब इसके पास कितने ऑप्शन हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ हमारे पास ऑप्शन हैं इस बॉडी पे हम लोगों को फोर्स लगाने के लिए आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास हम लोग कहाँ कहाँ हम लोग इसमें फोर्स अप्लाई कर सकते हैं सभी हमारे पास जो फोर्सेज हैं 10 न्यूटन के ही हैं और 10 न्यूटन के फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में काम कर रहे हैं और 10 न्यूटन के फोर्स अगर ऊपर की तरफ काम कर रहे हैं तो हम किसको बोल रहे हैं ये नहीं कह पाएंगे तो उसको बताने के लिए हमें क्या बताना पड़ेगा दूसरा पैरामीटर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या बताना पड़ेगा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यानी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या हो गया क्रिया बिंदु कहां पर वह बल काम कर रहा है कहां पर बल कार्य कर रहा है ठीक है और ये जो न्यूमेरिकल आंकिक मान है यही हमारे पास क्या होगा परिमाण मैग्नेट ठीक है अब तीसरा जो हमारे पास पैरामीटर है वो तीसरा पैरामीटर है क्या ये है कि हमारे पास हमें बताना है लाइन ऑफ एक्शन क्रिया रेखा ये क्या है क्रिया रेखा मुख्यतः सबसे इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है क्रिया रेखा बल को रिप्रेजेंट करने के लिए क्योंकि हम लोगों को बल का मूवमेंट कंसीडर करना होता है और जब हम लोग मोमेंट ऑफ़ एनर्जिया और मोमेंट के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पर एक्सिस और लाइन ऑफ एक्शन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है जब आप लोग गियर एंड गियर ट्रेन पढ़ेंगे तो उसमें हमें लाइन ऑफ एक्शन हमें देखना पड़ेगा क्योंकि कोई भी फोर्स किसी जिस लाइन के अलॉन्ग लगता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन आइए समझते हैं कि लाइन ऑफ एक्शन क्या है सपोज मैग्नीट्यूड को ये जो पूरा लाइन हमारे पास शो कर रहा है ये मैग्नीट्यूड मान लिया जाए हमने कह दिया टेन न्यूटन का है टेन न्यूटन है इसका हमने क्रिया बिंदु भी डिसाइड कर लिया है कि क्रिया बिंदु है और इसका मैग्नीट्यूड भी हम लोग डिफाइन कर चुके ठीक लेकिन ये जिस लाइन के अनुदिश काम कर रहा है यह जिस लाइन के अनुदिश काम कर रहा है इसी लाइन को हम लोग कहते हैं क्रिया रेखा लाइन ऑफ एक्शन क्या कहते हैं इसको लाइन ऑफ एक्शन लाइन ऑफ एक्शन मतलब जिस लाइन के अलोंग फोर्स हमारे पास वर्क कर रहा है जिस रेखा के अनुदिश बल हमारे पास कार्य कर रहा है लाइन ऑफ एक्शन है देखिए जो हम लोग एरो बनाते हैं वेक्टर्स में तो वेक्टर का जो ये कंप्लीट एरो होता है इसका लेंथ लिमिटेड होता है और वो मैग्नीट्यूड के बराबर होता है ठीक है हम लोग जिस भी स्केल से बनाए हम लोगों ने ये कह दिया कि टेन मीटर जैसे टेन न्यूटन है तो टेन न्यूटन को हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई एक न्यूटन बराबर हमने मान लिया वन सेंटीमीटर तो हमें कितने सेंटीमीटर का हमें लाइन ड्रॉ करना होगा 10 न्यूटन को रिप्रेजेंट करने के लिए 10 सेंटीमीटर का रिप्रेजेंट समझ गए तो हमारे पास इसका लेंथ फिक्स होता है लेकिन जो लाइन ऑफ एक्शन है वो लाइन ऑफ एक्शन का जो लेंथ है वो दोनों तरफ से इनफाइनाइट लेंथ तक जाता है मतलब इसकी कोई लेंथ फिक्स नहीं ये क्रिया रेखा है जिस रेखा के अनुदिश मतलब इसका उपयोग है मैकेनिक्स में बहुत ज्यादा उपयोग है लेकिन ये फोर्स के मैग्नीट्यूड डायरेक्शन किसी चीज को प्रभावित नहीं करता है सिर्फ ये बताता है कि ये फोर्स जो है बल किस रेखा के अनुदिश कार्य करता किस रेखा के अनुदिश कार्य कर रहा है वही हमारे पास कहलाता है लाइन ऑफ एक्शन और ये जो एरो हेड हम लोग बनाते हैं एरो हेड यही एरो हेड हमारे पास क्या होता है डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है यानी बल को पूर्णतः डिफाइन करने के लिए पूरी तरीके से हम लोगों को एक्सप्रेस करने के लिए जिन पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट होती है उसको कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए फोर्स और फोर्स को कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए चार पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट होती है मैग्नीट्यूड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन लाइन ऑफ एक्शन एंड डायरेक्शन तो लाइन ऑफ एक्शन हमारे पास क्रिया रेखा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बिंदु मैग्नीट्यूड परिमाण और डायरेक्शन दिशा ठीक आइए देखते हैं हम लोग इसको डायग्राम में कि हम लोग कैसे देख, देख सकते हैं इसको जनरली जो भी डायग्राम्स बने होते हैं उन सब में हम लोग का फोर्सेस को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट तो ये है हमारे पास पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जहां पर ये फोर्स काम कर रहा है ये हेड जो है ये ये हेड जो हमारे पास बना है ये हेड हमारे पास क्या बता रहा है डायरेक्शन ऑफ द फोर्स देखिए हमें पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन और डायरेक्शन हम लोग को बताना ही पड़ेगा अगर हम लोग डायरेक्शन नहीं बताएंगे पॉइंट ऑफ अप्लीकेशन नहीं बताएँगे तो हम लोग फोर्स को एक आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे यूनिक नहीं कर पाएंगे और यही सबसे ज़्यादा गलती होती है जब हम लोग फ्रिक्शन फोर्सेस को पढ़ने लगते हैं बहुत सारे जब फोर्स एक ही सिस्टम पे काम करते हैं तो हम लोग लाइन ऑफ एक्शन को सही से अगर नहीं दिखा पाएंगे तो फोर्स का एंगल किस एंगल पे फोर्स काम कर रहा है ये हम लोग नहीं बता सकते हैं क्योंकि हमें उसको ड्रॉ करने आना चाहिए और ड्रॉ कैसे हम लोग करते हैं लाइन ऑफ एक्शन से तो अब लाइन ऑफ एक्शन हमारे पास क्या है ये इसमें लाइन ऑफ एक्शन है और ये इसका लेंथ हमारे पास इनफाइनाइट होता है ठीक है इधर भी भी ये लाइन ऑफ एक्शन है ये बॉडी है ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है ये डायरेक्शन है ये मैग्नीट्यूड है क्या है मैग्नीट्यूड इसका न्यूमेरिकल यही न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो हमें क्या प्रोवाइड करता है मैग्नीट्यूड मान पीमार्क न्यूमेरिकल मान किसी भी सदिश राशि का कौन सा सदिश राशि देख रहे हैं बल फोर्स तो फोर्स का जो परिमाण है वो परिमाण हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू वो एफ यहाँ पर दिया है एफ न्यूटन ये परिमाण हो गया ठीक है तो हम लोग क्या देखें मैकेनिक्स में हम लोग को फोर्स और बॉडी पे इसका इफेक्ट देखना है फोर्स हमारे पास किसी भी बॉडी की स्थिति में परिवर्तित करता है या परिवर्तित करने का प्रयत्न करता है या किसी बॉडी के आकार को परिवर्तित करता है या पर, आकार को परिवर्तित करने का प्रयत्न करता है फिर हम लोग बल सिर्फ दो तरीके से लगा सकते हैं पुश कर सकते हैं या पुल कर सकते हैं किसी को खींच सकते हैं या ढकेल सकते हैं फिर हमने देखा कि फोर्सेस को कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए कितने पैरामीटर रिक्वायरमेंट है हमारे पास फोर्सेज को डिफाइन करने के लिए चार पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट है जो कि आपके सामने है मैग्नीट्यूड डायरेक्शन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन ठीक है तो अभी तक हम लोगों ने फोर्सेस के बारे में एनालिसिस अब हम लोगों को देखना है मैकेनिक्स में हम लोग इन फोर्सेस को डील करने के लिए कौन कौन से लॉज को डिफाइन करते हैं देखिए आप लोग मैकेनिक्स के सभी लॉज को लगभग पढ़े हुए हैं लेकिन इनका इंपॉर्टेंस अभी कम नहीं हुआ अगर आप फर्दर स्टडी करेंगे तब भी मैकेनिक्स में लॉज जो हमारे पास पढ़ने हैं वो यही रहेंगे लेकिन बस उनका कॉम्प्लेक्सिटी जो है जटिलता है वो बढ़ जाएगी ठीक मैकेनिक्स तो को पूरी तरीके से गवर्न करने के लिए न्यूटन ने कुछ लॉज दिए थे वो लॉ आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं न्यूटन का फर्स्ट लॉ न्यूटन का सेकेंड लॉ न्यूटन का थर्ड लॉ तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ हमारे पास ये तीन जो लॉ हैं हमारे पास ये तीनों को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे और अगर आप लोग ये तीनों लॉज को एकदम इजीली समझ गए हैं इसको आपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं और इनका आपको यूज़ करने आ गया तो आपको मैकेनिक्स आ जाएगी ओनली थ्री लॉज और ये पूरे थ्री लॉज पूरे मैकेनिक्स को चाहे वो फ्लूड मैकेनिक्स का हो चाहे हाइड्रोलिक मैकेनिक्स में हमारे पास हाइड्रोलिक मशीन्स में काम कर रहा हो चाहे हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की अगर हम लोग बात करें या हम लोग थ्योरी ऑफ मशीन की बात करें मशीन डिज़ाइन की बात करें कहीं पर भी हम लोग लेथ मशीन में भी जो फोर्सेज या मोशन uh, हम लोग देखते हैं सब जगह हमारे पास क्या आएगा हम लोग फोर्सेस का ही बात करेंगे क्योंकि हमें उनको रोटेट कराना है उनका पोजीशन चेंज करना वोस्टी चेंज करना और वलॉस्टी चेंज करने के लिए अगर वो लीनियरली मोशन में अगर हो रहा होगा तो बल की आवश्यकता है और अगर वो रिक आ, गति कर रहा है मतलब एंगुलर वेलोसिटी कर रहा है तो हमें टॉर्क की रिक्वायरमेंट है और टॉर्क भी हम लोग फोर्स के थ्रू जनरेट कर सकते हैं जब हम लोग सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पढ़ेंगे पे रोटेशनल मोशन होगा तो वहां पर भी हम लोग समझेंगे तो मैकेनिक्स के तीन बेसिक लॉ हैं और ये पूरा मैकेनिक्स इसी पर आधारित है चाहे रॉकेट का उड़ना हो चाहे एरोप्लेन का उड़ना हो चाहे किसी भी हम लोग जहां पर मोशन कर रहे हैं चाहे व्हीकल हमारे पास रोड पे चल रहा हो वहां पर फ्रिक्शन काम कर रहा है उसके व्हील्स रोटेट कर रहे हैं उसका इंजन चल रहा है एवरीवेयर हमें मैकेनिक्स के लॉ को अप्लाई करना है और मैकेनिक्स का जो लॉ है वो केवल और केवल बेसिक पार्ट है न्यूटन फर्स्ट लॉ न्यूटन सेकेंड लॉ न्यूटन थर्ड लॉ तो हम लोग एक एक करके इसको पूरा डिटेल में देखते हैं देखेंगे हम लोग न्यूटन का फर्स्ट लॉ इसको लॉ ऑफ इनर्सिया भी कहते हैं क्या कहते हैं इसको लॉ ऑफ इनर्सिया भी कहते हैं ठीक अब देखिए मान लिया जाए न्यूटन ने क्या कहा अपने पहले नियम में पहले तो उसने फोर्स का डेफिनेशन बताया क्वालिटी की फोर्स क्या कर सकता है और इसका इफेक्ट क्या हो सकता है ठीक है तो लॉ ऑफ इनर्सिया इसको क्यों कहते हैं उसको समझेंगे आइए समझते हैं हम लोग कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या होता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये कहता है यदि कोई बॉडी रेस्ट में है या एक समान रेखीय गति कर रहा है तो अपनी स्थिति में तब तक बना रहेगा जब तक कि उस पर कोई कारक कार्य ना करे ठीक है एवरी बॉडी विल कंटिन्यू इन देयर स्टेट इफ स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन टिल एन एक्सटर्नल एजेंसी इज नॉट वर्किंग दैट एक्सटर्नल एजेंसी इज नोन एज फोर्स यानी अगर किसी पिंड पर कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है तो अपनी स्थिति में पिंड बना रहेगा नेट रिजल्टेंट फोर्स उस पर काम करना चाहिए तो भाई हम लोग ये तो मान करके चलते हैं कि सर चलिए अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में तो रहती है लेकिन अगर हम लोग साइकिल चला करके छोड़ देते हैं तो वो कुछ समय के बाद रुक जाती है क्यों क्योंकि यहाँ पर फोर्स काम कर रहा है यहाँ पर कौन कौन सा फोर्स काम कर रहा का है केयर का घर्षण है साइकिल के पहियों के बीच में जो उसके धुरी धुरे बने हुए हैं एक्सल्स बने हुए हैं वहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है रोड का फ्रिक्शन टायर के बीच में काम कर रहा है ये फोर्स बहुत छोटे होते हैं बहुत कम होते हैं लेकिन ये वर्क करते हैं जिसकी वजह से हमारे पास गाड़ी को अगर हम लोग चला करके छोड़ देते हैं साइकिल को चला करके छोड़ देते हैं तो रुक जाता है लेकिन अगर हम लोग इस चीज़ को स्पेस में ले जाएं यानी जहां पर कोई फोर्स नहीं काम करे केवल हम लोगों ने एक बार किसी पार्टिकल को डिस्प्लेस करके छोड़ दिया तो वो मोशन करा करके छोड़ दिया तो वो कंटिन्यूसली मोशन सिंपल सी बात ये है कि कोई क्यों रुकेगा जब तक उसे कोई रोकने वाला ना हो ठीक क्योंकि तो किसी भी पिंड के पास दिमाग तो होता नहीं है नहीं उसके पास बॉडी उसके पास दिमाग है नहीं हमें अब रुकना चाहिए या चलना चाहिए अगर ऐसे चलने लगे तो फिर कभी कभी चलते चलते हम लोग पास हमारा घर भी आ जाएगा लेकिन ऐसा नहीं वो में है, उनके ऊपर नेट फोर्स क्या लग रहा है जीरो लग रहा है ठीक तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ सिर्फ यह बताता है, force, कि फोर्स क्या कर सकता है अब इसको हम लोग दूसरे तरीके दूसरे तरीके से देखने का क्या मतलब है यदि हम ये कहें कि, कि किसी भी वस्तु की स्थिति को परिवर्तित करने के लिए चाहे वह रेस्ट में हो चाहे एक समान रेखीय गति कर रहा हो तो उसे फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी बात वही है अगर हम लोग कहें कि कोई बॉडी रेस्ट में है है या एक समान मोशन कर रहा है, तो कहेंगे नेट फोर्स जीरो है दूसरी चीज यदि कोई बॉडी का स्थिति परिवर्तन करना है एक समान रेखी गति कर रहा हो या फिर वो रेस्ट में हो तो उसके ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा बिना फोर्स के उसमें स्थिति परिवर्तन नहीं आएगा बात समझ गए अब हम लोग ये कहें कि इसको इनर्सिया लॉ ऑफ इनर्सिया क्यों कहते हैं लॉ ऑफ इनर्सिया कहने का क्या मीनिंग है तो लॉ ऑफ इनर्सिया हमारे पास क्यों कहा जाता है उससे पहले हम लोग को इनर्सिया समझना है जड़त्व जड़त्व क्या है जड़त्व का मतलब भाई देखिए जो अपनी ही स्थिति पे बने रहे रहने के लिए जो गुण हमारे पास होता है किसी बॉडी के अंदर उसको कहते हैं जड़त्व का नियम क्या बोलते हैं उसको उसको जड़त्व कहते हैं तो जड़त्व हमारे पास किसी भी बॉडी को अगर हमें डिस्प्लेस करना है मान लिया जाए कि हमें किसी बॉडी को विस्थापित करना है तो भाई हम लोग ये जानते हैं कि अगर इसका मास कम है यानी एम वन अगर कम है मान लिया जाए कि हम लोग इसको डिस्प्लेस करना चाहते हैं और दूसरा एक बॉडी है उसका मास हमारे पास क्या है ज़्यादा है और इसको डिस्प्लेस करना चाहते हैं तो हमें ये जानकारी है कि इसमें हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा और इसमें हमें क्या लगाना पड़ेगा कम फोर्स लगाना तो अगर हमने ये कह दिया एम वन इज लेस देन वन इज लेस एफ टू अगर हमें इनको स्थापित कराना है इस, इसकी स्थिति में परिवर्तन करना है तो स्थिति में परिवर्तन का जो विरोध करता है उसी को जो तो क्या कहते हैं जड़त्व तो कहते हैं और रेखीय गति के लिए जो जड़त्व तो का मान है वह द्रव्यमान पर निर्भर करता है द्रव्यमान के इक्वल नहीं होता है द्रव्यमान पर निर्भर करता है इनर्सिया हमारे पास प्रॉपर्टी है इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है इनर्सिया यूनिट लेस मास है लेकिन ये डिपेंड किस पर करता है मास पर करता है द्रव्यमान पर करता है यानी अगर जिस पिंड का द्रव्यमान ज्यादा होगा उसका ज्यादा होगा जिस पिंड का द्रव्यमान कम होगा उसका इनर्सिया क्या होगा कम होगा ठीक है तो हम लोग ये कह सकते हैं कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो वह रेस्ट में रहेगी अगर वो मोशन कर रहा है तो मोशन करेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य कारक कोई बाह्य बल काम ना करे अगर हमारे पास रेस्ट में होने का बहुत इजीली हम लोग समझ लेते हैं मोशन में होने के लिए मोशन में होते हुए बॉडी को मोशन में क्यों नहीं रख पाते हैं कि हम लोग एटमोस्फियर से घिरे हुए हैं हमारे पास कोई भी चीज़ आइडियल नहीं है सर्फेस नहीं है लिए हम लोग अगर किसी बॉडी को अगर हम लोग थ्रो करते हैं या किसी साइकिल को या फिर किसी भी चीज को अगर हम लोग चला करके छोड़ देते हैं तो वह चलती हुई नहीं रह सकती ऊपर तो एक फोर्स ठीक है अब हम लोग देखते हैं न्यूटन्स का इसमें हम लोग क्या इसमें, इसमें, इसका एग्जांपल हो सकता है और कैसे हम लोग इसका वो देख सकते हैं यह हम लोगों ने देख लिया कि अगर हमारे पास कोई भी बॉडी पे नेट फोर्स जीरो है ऑब्जेक्ट पे तो ऑब्जेक्ट हमारे पास कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करेगा या रेस्ट में ठीक है और ऑब्जेक्ट अगर उसका वेलोसिटी जीरो है देन ऑब्जेक्ट क्या होगा हमारे पास रेस्ट में होगा देखिए मैं किसी से क्वेश्चन कहूं किसी से भी अगर किसी से एक बात कि एक मेरे पास क्वेश्चन है हमने ये कहा हम लोग को वेलोसिटी और पोजीशन को समझना पड़ेगा तो वेलोसिटी क्या होता है स्थिति परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं वेलोसिटी स्थिति परिवर्तन अगर होगी तो उसके दर उसका टाइम से अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे तो वेलोसिटी होगा और अगर वेलोसिटी में भी परिवर्तन हो रहा है तो वेलोसिटी परिवर्तन यानी वेग परिवर्तन के दर को हम लोग क्या कहते हैं त्वरण कहते हैं अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म हमारे पास यूज होगा जिसको हम लोग कहेंगे मोमेंटम जो कि अभी हम लोग समझेंगे इससे पहले एक हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं सपोज दैट एक हम लोग मास के टुकड़े को एक पत्थर को स्पेस में ले जाकर के छोड़ देते हैं स्पेस में ले जाकर के उसको फेंक देते हैं कोई वेलोसिटी वेलोसिटी से उसकी परिवर्तित नहीं होगी क्योंकि वो ग्रेविटेशनल फील्ड भी नहीं है वहां पर कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है किसी से कॉन्टेक्ट में नहीं है। और अगर फ्रिक्शन काम नहीं करेगा तो वो उसके ऊपर कोई फोर्स काम नहीं कर रहा और कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है तो वह अपने स्थिर वेग से चलता चला जाएगा तो रुकेगा नहीं कहीं नहीं रुकेगा हाँ भाई कहीं नहीं रुकेगा जब तक कि वह किसी उल्का पिंड से ना टकराए या किसी दूसरे प्लानिट के ग्रेविटेशनल फील्ड में ना चला जाए तब तक कि उसकी उसके वेलोसिटी में कोई परिवर्तन नहीं पे कोई फोर्स काम नहीं कर रहा ठीक है तो हमारे पास यानी न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो सिर्फ ये बताता है एवरी बॉडी विल रिमेन इन द रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड बाई एक्सटर्नल its, its फोर्स नहीं लग रहा है तो फोर्स का जो स्थिति रेस्ट वाला पोजिशन है या कॉन्स्टेंट फ्लॉस्टी के साथ मोशन है वो चेंज ठीक है आइए हम लोग अब देखते हैं न्यूटन का सेकेंड लॉ ये तो हम लोगों ने यह देखा कि फोर्स क्या कर सकता है फोर्स हमारे पास स्थिति को परिवर्तित कर सकता है या को परिवर्तित कर सकता है अब हम लोग कहें कि अगर किसी चीज में परिवर्तन अगर करना है मान लिया जाए कि न्यूटन ने अपना पहला लॉ तो दे दिया हमने कहा कि बिल्कुल सही है भाई अगर हम किसी का स्थिति परिवर्तन करना चाहते हैं तो फोर्स गिराव सकता है तो फोर्स अगर हम लोग किसी भी चीज के बारे में अगर हम लोग थोड़ा सा भी फोर्स लगा देंगे तो क्या उसकी स्थिति परिवर्तित होगी और अगर होगी तो किस रेट से स्थिति परिवर्तित होगा और क्या उसमें एक्स्ट्रा चीज आएगा यानी हमें यह बताना है कि कितना अमाउंट ऑफ फोर्स हम लोग किस बॉडी को प्रोवाइड करें जिसकी वजह से उसमें एक्सिलेशन प्रोड्यूस हो और कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कराने के लिए हमें कितने फोर्स फोर्समेंट होगी इसको समझने के लिए न्यूटन ने अपना सेकेंड लॉ दिया न्यूटन ने अपना सेकेंड लॉ में बोला कि अगर किसी भी बॉडी पर नेट एक्सटर्नल फोर्स काम कर रहा है नेट एक्सटर्नल फोर्स काम कर रहा है तो नेट एक्सटर्नल फोर्स उसके चेंज इन मोमेंटम का रेट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी इन दैट डायरेक्शन अब इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अब हम लोग ये कहेंगे मोमेंटम क्या है तो सबसे पहले तो हम लोग मोमेंटम को समझते हैं मोमेंटम आखिर क्या होता है मोमेंटम को हम लोग ये कहें मोमेंटम मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी इनटू वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इसका यूनिट होता है के जी मीटर पर सेकेंड और मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी दिशा इसका जो डायरेक्शन है ये वही होता है जो वेलोसिटी का डायरेक्शन डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम देखिए मोमेंटम संपूर्ण इनर्सिया या संपूर्ण एनर्जी को रिप्रेजेंट करने का काम करता है एनर्जी हम नहीं कहें लेकिन हम लोग ये कहें कि उसके हम ये कहें कि मान लिया जाए कि एक टेन मीटर पर सेकेंड से कोई कार आ रहा है और 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से कोई ट्रक आ रहा है तो दोनों का वेलोसिटी तो सेम है लेकिन जब वो किसी दीवार से टकराएंगे तो ट्रक ज्यादा हार्मफुल होगा एज कंपेयर टू कार ये तो हम लोग जानते हैं यानी हम लोगों को उसके एनर्जी है उसके मोशन को कंप्लीटली डिफाइन करना है उसके इफेक्ट को अगर देखना है तो हमें मास और वेलोसिटी दोनों के देख, देखना पड़ेगा और द्रव्यमान और वेग का जो गुणनफल होता है वही हमारे पास क्या कहलाता है मोमेंटम मोमेंटम एक सदिश राशि है और सदिश राशि है तो इसकी डायरेक्शन होगी और मोमेंटम का वही डायरेक्शन होता है जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ठीक है क्योंकि मास द्रव्यमान जो है वो अधिक ठीक अब हम लोग ये कहें कि न्यूटन सेकेंड लॉ ने क्या बोला तो न्यूटन ने सेकेंड लॉ में अपने ये बोला कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स या नेट फोर्स यानी हम लोग ये कहें सर तो यहां आप तो आपने इक्वल टू लिख दिया है और आप कह रहे हैं कि प्रोपोर्शनल होना चाहिए इसके पीछे भी लॉजिक है अगर हम लोग कहें कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज यानी डी पी वेक्टर अपॉन डी टी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एफ नेट के हम लोग जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो एसआई SI सिस्टम में जो प्रोपोर्शनालिटी कॉन्स्टेंट है उसका वैल्यू वन लिया जाता है। कितना लिया जाता है वन लिया जाता है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली एफ नेट या एफ एक्सटर्नल इज पी अपॉन ये वेक्टर के फॉर्मेट में होगा तो जो फोर्स है हमारे पास उसका जो डायरेक्शन है मोमेंटम चेंज की डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में होगा चेंज इन मोमेंटम के डायरेक्शन में अब देखिए मोमेंटम को हम लोग लिख क्या सकते हैं मोमेंटम क्या है मास इंटू वेलोसिटी तो मास इंटू वेलोसिटी अगर हम लोग पुट कर देंगे यहाँ पे और उसको टी के रिस्पेक्ट में हम लोग को डिफरेंशिएट करना है हम लोगों ने यहाँ पे रख दिया और ये वेक्टर क्वांटिटी है तो अब हम लोग ये कहें कि इनको डिफरेंशिएट करते हैं तो डिफरेंशिएशन आप लोग जानते होंगे डिफरेंशिएशन में एक फॉर्मूला यूज होता है लोग नहीं लो जानते हैं मैं उसका फॉर्मूला अभी मैं बता देता हूँ देखता हूँ चलिए हम लोग देखते हैं कि अगर दो प्रोडक्ट में कोई वेरिएबल्स हैं उनका डिफ्रेंसिएशन कैसे किया जाता है कि क्या फॉर्मूला होता है उस चीज को हम लोग देखते हैं सपोज दैट इज इक्विस्ट टू क्यू इन टू वी वेयर यू और वी दोनों ही टाइम के फंक्शन किसके फंक्शन है टाइम के फंक्शन तो हम लोग ये निकालना चाहते हैं dy वाई अपॉन ये दोनों फंक्शन हमारे पास हैं डिफ्रेंशिएशन में फॉर्मूला पढ़े होंगे नहीं पढ़े होंगे अगर नहीं याद है तो बता देता हूँ फर्स्ट सेकेंड का डिफरेंशिएशन हम लोग फर्स्ट को ऐसे ही रख देंगे डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड डिवाइडेड बाई टाइम प्लस सेकेंड सेकेंड टर्म वी इंटू डी यू अपॉन ना अगर हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं तो हम लोग पास डिफ्रेंशिएशन करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है हमें ये रिक्वायरमेंट है कि अगर ये दोनों वेरिएबल हैं टाइम के फंक्शंस हैं m और v, देन हम लोगों को इनको डिफ्रेंशिएशन प्रोडक्ट के फॉर्मेट में करना पड़ेगा प्रोडक्ट के फॉर्मेट में फर्स्ट सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन देखिए फर्स्ट हमने पहले लिख लिया और dv का डिफ्रेंशिएशन ठीक है अब हमने कह दिया सेकेंड फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन अगर सपोज दैट यह मास कांस्टेंट है समय के साथ परिवर्तित नहीं हो रहा है तो हमारे पास डी अपॉन डी टी इज क्या हो जाएगा जीरो कब होगा जब पिंड हमारे पास क्या होना चाहिए बॉडी रिजिड होना चाहिए यानी इफ द बॉडी इज रिजिड एम इज कॉन्स्टेंट देन एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू हमारे पास एम डी वी अपिटी होगा क्योंकि डी एम अपिटी जीरो हो जाएगा तो हमारे पास ये एक्सटर्नल फोर्स जो आ गया एफ इज इक्व टू एम इक्वल आ गया यानी अगर हमारे पास कोई एम मास का बॉडी है और उस पर हम लोगों ने एफ नेट फोर्स अप्लाई किया तो हमारे पास एक्सीलरेशन जो आएगा वो एफ नेट डिवाइडेड बाई उस मास यानी कि अगर हमारे पास ज्यादा मास का कोई बॉडी है और फोर्स हम लोग बराबर लगा रहे हैं दो बॉडीज पे तो ज्यादा बॉडी का अगर मास है तो उसमें एक्सीलरेशन कम होगा और अगर कम बॉडी कम द्रव्यमान का अगर कोई पिंड होगा तो उसका एक्सिलेशन होगा ठीक है तो हम लोग ये कहें कि ए जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है ठीक एक्सीलरेशन और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स है फोर्स जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा एक्सेलरेशन होगा अगर मास कांस्टेंट अब अगर फोर्स कांस्टेंट है क्या कह रहे हैं स्थिर फोर्स मतलब बराबर फोर्स लगाना है और बराबर फोर्स अगर लगाना है हम लोगों को द्रव्यमान अलग अलग है तो त्वरण मान की वित्त हो वित्त होने का मतलब सिर्फ है इनवर्सली प्रोपोर्शनल अगर मास ज़्यादा है तो एक्सेलेशन कम होगा अगर एक् मास कम है तो एक्सेलेशन ज़्यादा हो ठीक है तो ये है हमारे पास सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा है हम लोग ये बहुत ईजिली इसको हम लोग देख सकते हैं हम लोग पूरा जो मोशन जो फ्रिक्शनल है फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट है हम लोग इजीली इसी से हम लोग गवर्न करते हैं एफ इजिक्वस टू एम

बहुत सिंपल स्टेटमेंट है किसी भी क्रिया का इक्वल तथा विपरीत दिशा प्रतिक्रिया होता है ठीक है तो ये रिएक्शन का क्या मतलब रिएक्शन कब होगा जब हम लोग कोई एक्शन करना चाहते हैं कोई बदलाव करना चाहते हैं। और अगर वो बदलाव नहीं हो पा रहा है उसके एवज में रिएक्शन अपजिट अपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स क्यों काम करेगा क्योंकि हम लोग एक्शन कर रहे हैं तो ऊपर फोर्स लगा रहे हैं तो फोर्स का काम है उसको मोशन कराना अगर वो मोशन नहीं कर पा रहा है उसका अपोज करेगा दूसरे सरफेस से उसी का जो रिजल्ट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं रिएक्शन का प्रतिक्रिया ठीक है प्रतिक्रिया अगर आप लोग स्टेटमेंट देखें तो क्रिया का ही उल्टा प्रतिक्रिया यानी उल्टा और विपरीत डायरेक्शन में काम करेगा फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग ये देखें मान लिया जाए कहीं पर भी कोई बॉडी हमारे पास रखी मान लिया जाए हमारे पास एक बॉडी यहाँ रखी है इसका हमारे पास वेट दिया हुआ है वेट दिया है सपोज दैट इस मास दिया है कि हमारे है तो ये जानते हैं कि इसके ऊपर डाउनलोड डायरेक्ट एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा इसको एम कहेंगे अगर ये सपोर्ट रिजिड है तो रिजिड सपोर्ट है तो ये पूरा बॉडी इस सरफेस पर एक लोड अप्लाई कर रहा है वो लोड कितना है एम है लेकिन मोशन नहीं हो रहा है मैं अभी आप लोगों को ये बताया था कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति को परिवर्तित करता है या परिवर्तित करने का प्रयत्न करता है तो यहां पे बल तो काम कर रहा है एम लेकिन इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है इसका मतलब है कि विपरीत दिशा में भी एक कोई बल कार्य कर रहा होगा वो विपरीत डायरेक्शन में जो विपरीत अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स काम कर रहा है जो इसको रोकने का कोशिश कर रहा है मोशन को उसी को हम लोग क्या कहते हैं एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अगर बॉडी इक्लिवरियम में है तो सर अगर हमारे पास कोई बॉडी इक्लिवरियम में नहीं है और अगर उसके ऊपर फोर्स काम कर रहा है फॉर एग्जाम्पल हमने एक बॉडी को एक पिंड को मुक्त रूप से छोड़ दिया गिरने के लिए तो गिरने के लिए अगर हम लोग छोड़ देंगे तो इसके ऊपर फोर्स काम कर रहा है और कहीं पर भी सपोर्ट नहीं है तो एम जी फोर्स काम करेगा तो इसका दिशा परि मतलब इसमें वेलोसिटी आएगा वेलोसिटी में चेंजेस होंगे फोर्स यानी ये नीचे की तरफ यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं आएगा कोई रिएक्शन नहीं आएगा क्योंकि हम लोग इसमें जो फोर्स काम कर रहा है वो जो करना चाहता है हम करने दे रहे हैं करने देने का मतलब वो स्थिति को परिवर्तित करना चाह रहा है और वो कर दे रहा है लेकिन जैसे ही अगर हम लोग इसको किसी रिजिड सपोर्ट पर अगर रख दिए कहीं पर कि ये सपोर्ट हमारे पास इल्ड नहीं हो सकता है उस अवस्था में एक इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स का यानी अगर हम लोग ये कहें कि कोई भी अगर फोर्स किसी बॉडी पर काम कर रहा है और अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो उस फोर्स का इक्वली एंड अपोजिट डायरेक्शन में अपोज हो रहा होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं प्रतिक्रिया यानी एक्शन एंड रिएक्शन एक्शन एंड रिएक्शन ये न्यूटन के थर्ड लॉ थर्ड में थर्ड लॉ में दिया गया ये तीसरा नियम है न्यूटन का जो उन्होंने दिया तो न्यूटन ने कौन कौन से नियम दिए अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी एक समान गति कर रही है तो एक समान गति करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाए तो उन्होंने कहा कि अगर किसी वस्तु इसको दूसरे तरीके से अगर समझा जाए तो किसी वस्तु की स्थिति को परिवर्तन करना है परिवर्तित करना है तो उसमें हमें फोर्स लगाना पड़ेगा तो फोर्स की रिक्वायरमेंट हुई फिर कितना फोर्स लगाया जाए तो अपने सेकेंड लॉ में क्या बोला कि अगर हम लोग किसी एम द्रव्यमान के पिंड पर एम मास के बॉडी पर अगर हम लोग एफ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें जो त्वरण आएगा एक्सेलरेशन जो होगा फोर्स और आ, मास का रेशियो होगा ठीक है अब थर्ड लॉ में अगर वो मोशन नहीं करे तब क्या होगा फोर्स अप्लाई करने पर अगर हमने ये कहा कि अगर फोर्स अप्लाई करेंगे और अगर मोशन नहीं हो रहा है तो सिंपल सी बात वहाँ पर रिएक्शन डेवलप क्या डेवलप होगा भाई रिएक्शन डेवलप मीन्स कि अगर आप लोग क्लियरली अगर ये समझें पूरे मैकेनिक्स की बात बता रहे हैं और भी फोर्सेस का हम लोग डीलिंग करेंगे सिर्फ एक ही बात है फोर्स या तो हमारे पास मोशन कराने का कोशिश करेगा या फिर मोशन या शेप में चेंज करने का शेप में कब चेंज करने का कोशिश करेगा जब उसे रोका जाएगा अगर वो रोका नहीं गया तो मोशन करने लगेगा तो रोकने के लिए हमारे पास एक्शन और रिएक्शन डेवलप होते कहीं पर भी अगर हम लोग किसी भी बॉडी को अभी हम लोग एक लॉ है ग्रेविटेशन का कि कोई भी हमारे पास जो फोर्स है ग्रेविटेशन का क्या लॉ है ये तो न्यूटन का थर्ड लॉ है कि कोई भी फोर्स आइसोलेटेड नहीं हो सकता आइसोलेटेड नहीं हो ये क्या बता रहे हैं ये मतलब है कि एक फोर्स कभी भी सिंगल एग्जिस्ट नहीं कर सकता उस पे एक्शन और रिएक्शन जरूर होगा मींस अकॉर्डिंग टू न्यूटनस थर्ड लॉ अगर हम लोग किसी को खींच के चाटा मारते हैं किसी को अगर हम लोग किसी की पिटाई करते हैं तो हमारे हाथ पर और उसके बॉडी पर दोनों जगह फोर्स बराबर हमारे हाथ पर भी फोर्स लगेगा भाई हमारा हाथ भी दर्द करता है और उसका बॉडी जहां पे हमने उसको चोट दिया है वहां तो भाई जिसको पीटा जाता है वो ज़्यादा प्रॉब्लम में क्यों आ जाता है क्योंकि उसको हम लोग ऐसे जगह पीटने की कोशिश करते हैं सपोज दैट कि हमने यहाँ पर अगर इससे चाटा घर मारा है तो इसका जो एक्शन होगा एक्शन हमने हाथ से जो दिया और हमारे हाथ पे जो फोर्स काम करेगा इसके गाल का वो दोनों बराबर होंगे क्योंकि तो इसमें फोर्स कहीं से भी इन्वॉल्व नहीं हुआ लेकिन मेरा हाथ जो है हार्ड है और जो हमारे पास ये गाल है हमारा ये जो बॉडी है जहाँ पे हमने इसको पीटा है ये सॉफ्ट है लिए हमारे पास यहाँ पे फोर्स क्या ज्यादा लगता है फील होता है लेकिन फोर्स जो है दोनों जगह क्या लगा है अकॉर्डिंग टू लॉ एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन क्लियर आई थिंक अब आप लोग क्लियर हो गया होगा अब सपोज दैट कि हमारे पास एक ये डायग्राम दिया हुआ है और ये एक बोट है छोटी सी बोट है हम लोग मान लिया जाए कि कभी अगर आप लोग बहुत बड़े सिप की बात तो हम लोग नहीं कर रहे हैं लेकिन अगर छोटी सी नाव है अगर पानी में तैर रही है और अगर हम लोग ये किनारे पर खड़ी हो गई और हम इसमें से उतरने का कोशिश करेंगे तो हम आगे जो जाएंगे हमारा पैर जो होगा वो आगे की तरफ एक्शन करने की कोशिश करेगा और जितना हम लोग आगे बढ़ेंगे उतना ही ये क्या हो जाएगा पीछे की तरफ जाने का कोशिश करेगा ये इसका रिएक्शन हो जाएगा हमारे पैर का तो वो पीछे की तरफ हट जाती है अगर कभी हम लोग किसी मूवेबल बॉडी पर अगर हम लोग घूमने का कोशिश करते हैं तो ऐसा होगा ये मान लिया जाए कि एक हमारे पास कोई पिंड है कोई बॉडी है इसके ऊपर हमने फोर्स अप्लाई किया फोर्स अप्लाई करने से हमारे पास क्या हो जाएगा फोर्स अप्लाई करने से हमारे पास इस बॉडी पे तो एक्शन हो गया और दूसरी बॉडी पे हमारे पास उस जो जिसने फोर्स लगाया है वहां पे अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन देखिए फ्रेंड्स अगर हम लोग एक्शन और रिएक्शन को जितना आसानी से समझ लेंगे वो बहुत ही हमारे पास हेल्पफुल होगा आगे की फॉर एग्जाम्पल मान लिया जाए कि मैं अपने हाथ को ऐसे खींच रहा हूँ और इधर खींचने की कोशिश कर रहा हूँ तो मेरे इस हाथ पे जो फोर्स लग रहा है इस हाथ पे जो फोर्स लग रहा है यहाँ पे तो ये किस डायरेक्शन में लग रहा है इधर की तरफ लग रहा है और उतने ही अमाउंट से अगर ये मोशन नहीं कर रहे हैं दोनों तो इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स हमारे पास मस्ट भी क्या होना चाहिए जीरो होना चाहिए अगर नेट जीरो नहीं होगा तो न्यूटन ने अपने सेकेंड लॉ में बोला है कि अगर नेट फोर्स ज़ीरो नहीं है तो नहीं होगा एक्सिलेटिंग हमारे पास एक्सिलोरेशन तभी जनरेट होगा जब बॉडी फ्री टू मूव होगा या नेट फोर्स पे वर्क कर रहा होगा अब हम लोग देखते हैं आगे कि हमारे पास एक्शन और रिएक्शन में हमारे पास क्या हो सकता है ये जो भी एग्जांपल हम लोगों ने बोर्ड पे देखा था उसके बारे में ये था एक्शन और रिएक्शन थोड़ा रिएक्शन के बारे में हम लोग और डिटेल में कुछ जानकारी रखते हैं कहीं पर भी रिएक्शन जो है किसी भी बॉडी का रिएक्शन किसी भी बॉडी पर जो एक्शन हमारे पास होगा उसका रिएक्शन ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगा मान लिया जाए कि इसने फोर्स जो लगाया वो कितना है एम जी है तो इसका रिएक्शन जो होगा इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन कौन लगाएगा रिएक्शन लगाएगा कौन ये जो तो इसको रोकने का कोशिश जो रोकने का कोशिश कर रहा है वो इसके ऊपर हमारे पास रिएक्शन अप्लाई अब यह है एक्शन और रिएक्शन अगर दोनों बराबर है ध्यान से सुनिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों बराबर है तथा विपरीत है एक दूसरे को ये कैंसिल क्यों नहीं कर देते सर, तो सही क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखते हैं कि क्या होगा अगर हम लोग ये कहें कि एक्शन जो है एक्शन जो किया है वो इस बॉडी ने किया है किस पर इस सरफेस पर यानी एक्शन जो जनरेट किया है इस बॉडी ने इस फोर्स पे किया है यहां पर एक्शन हुआ ये है एक्शन और रिएक्शन जो डेवलप हुआ है वो इस बॉडी पे हुआ है किसने जनरेट किया है सरफेस ने आप लोगों की प्रश्न का आंसर इसी में छुपा हुआ है हमने ये कहा कि ये जो रिएक्शन इसके ऊपर लगा ये इस सरफेस ने बॉडी के ऊपर लगाया है और इस बॉडी ने इसके ऊपर एक्शन किया है तो एक्शन और रिएक्शन दोनों इक्वल एंड अपोजिट तो होते हैं लेकिन ये अलग अलग बॉडी पर वर्क करते हैं अलग अलग बॉडी पर अलग अलग पिंड पे कार्य करते हैं इसीलिए यह एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाते इनका रिजल्टेंट जीरो नहीं होता है क्योंकि भाई दो अलग अलग बॉडी पे फोर्स अगर काम करेंगे और इक्वल अपोजिट हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज दैट को मैंने अपने हाथ तो इस पेन का वेट हमारे हाथ पर एक्शन कर रहा है और हमारा हाथ इस पेन पर रिएक्शन डेवलप कर रहा है तो रिएक्शन जो लगा है वो इस बॉडी पर लगा है रिएक्शन जो लगा है वो इस बॉडी पर लगा है सर लेकिन ये तो आप जब हम लोग इसको आते हैं इस पे फोर्स तो ये एम जी हम लोग इसी बॉडी पर दिखा देते हैं देखो सेकंड डाउट है ये पहला डाउट क्यों नहीं करेगा तो ये मैंने एक्सप्लेन किया कि सर एक्शन और रिएक्शन दोनों अपोजिट सॉरी दोनों डिफरेंट बॉडीज पर काम करते हैं दोनों अलग अलग पिंड पर काम तो एक दूसरे को कैंसिल क्यों नहीं कैस, कैसे कर देंगे भाई वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाएंगे क्योंकि एक्शन यहां पर हुआ और रिएक्शन हमारे पास दूसरे बॉडी पर ये क्लियर हो गया लेकिन सर दूसरा क्वेश्चन क्या है कि ये बॉडी पर सर एम तो हम लोग दिखा रहे हैं यहां पर आप कह दिए कि एक्शन एम होगा लेकिन यहां पर भी दिखा रहे हैं एम तो ये तो फिर गड़बड़ हो जाएगा नहीं हम लोग ये जो दिखाए हैं कि इस पिंड पर टोटल फोर्स जो काम कौन कौन से फोर्स काम तो इस बॉडी का मास है इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर काम कर षण का बल काम करेगा और ये कौन लगाएगा अर्थ लगाएगा तो ये जो फोर्स है ये हमारे पास किसकी वजह से है ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है और ये रिएक्शन इसने इसके ऊपर लगाया है मेरे ख्याल से अब आप लोगों को ये क्लियर होगा कि ये जो हम लोगों ने बॉडी ये जो डायग्राम बनाते हैं हम लोग इसको फ्री बॉडी डायग्राम कहते हैं मुक्त पिंड आरेख जो लोग आगे अभी टॉपिक में ये किया है इसको हम लोग देखेंगे लेकिन अभी हम लोगों को बस ये समझना है कि एक्शन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ये आप लोग शुरुआत से ही ये इस बात को देखते जाते होंगे कि एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट होता है तो इक्वल एंड हो गया तो कैंसिल होना चाहिए नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्योंकि ये दो अलग अलग बॉडीज पर काम करते हैं तो दो अलग अलग बॉडीज पर काम करते हैं तो इक्वल एंड अपोजिट होने के बावजूद भी एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाएंगे अगर ऐसा होता तो क्या होता क्वेश्चन इज दैट अगर और रिएक्शन एक दूसरे को कैंसिल कर देते तो क्या होता सपोज दैट अगर मैंने इस पर मैंने अपने हाथ पे इस पर एक वेट रखा है मान लिया जाए कि ये पॉइंटर की अगर हम लोग बात करें इसको हम लोगों ने वेट रखा है तो इसका वेट मेरे हाथ पर एक्शन कर रहा है और मेरा हाथ इस पर रिएक्शन कर रहा है अगर यह मान लिया जाए कि एक्शन और रिएक्शन एक दूसरे को कैंसिल कर देते तो इसका वजन मेरे हाथ पर कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता मतलब मुझे महसूस ही नहीं होता कि हमने इस पर वेट रखा है कि नहीं रखा है मतलब यह हुआ कि चाहे हम हाथी को लेकर के अपने हाथ पे फुटबॉल खेलें या फिर हम एक फुटबॉल को लेकर के खेलें, दोनों में हमें कोई भी अंतर समझ में नहीं आएगा इसीलिए मतलब इसका क्या मतलब है लेकिन हमें तो महसूस हो रहा है इसका मतलब क्या है कि एक्शन और रिएक्शन एक दूसरे को कैंसिल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसको आप लोग मार्क करेंगे एक्शन और रिएक्शन एक दूसरे को क्यों नहीं कैंसिल करते हैं क्योंकि ये दोनों अलग अलग, अलग बॉडी पर काम करते हैं ठीक है और ये डायग्राम जो हम लोग दिखाते हैं इसमें ये एम जो लग रहा है ये इस बॉडी पर ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से जो फोर्स लगा है अब हम लोग ये देखें रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा हम लोगों को कुछ जानकारी चाहिए होगी रिएक्शन को हम लोग कैसे एक्सप्रेस करेंगे इस चीज को हम लोग देखते हैं रिएक्शन नॉर्मल रिएक्शन इसका हम लोग कहीं कहीं पे यूज नॉर्मल रिएक्शन अभिलंब प्रतिक्रिया या प्रतिक्रिया के रूप में करते हैं तो प्रतिक्रिया जहां पर भी काम करेगा जिस भी सरफेस पर काम करेगा उस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा कहां पे होगा सरफेस के जिस कॉन्टेक्ट सरफेस पे काम कर रहा है तभी रिएक्शन आएगा जब दो बॉडी का कॉन्टेक्ट होगा अगर कॉन्टेक्ट नहीं है तो रिएक्शन नहीं होगा यानी कि हमारे पास अगर जो भी हमारे पास सरफेस है सपोज दैट कि अगर हमारे पास दो मान लिया जाए कि ये हमारे पास कोई बॉडी है इन दोनों का जो कॉन्टेक्ट सरफेस है नॉर्मल रिएक्शन इस कॉन्टेक्ट सरफेस के लंबवत काम करेगा पहली बात तो मैग्नीट्यूड हम लोग जानते हैं जितना एक्शन होगा डायरेक्शन भी हम लोग जानते हैं जिस डायरेक्शन में एक्शन लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन लगेगा लेकिन तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो सरफेस है जहां पर भी कॉन्टेक्ट सरफेस होगा परिणाम जो इसका रिएक्शन है वो रिएक्शन हमेशा उस कॉन्टेक्ट सर्फेस के परपेंडिकुलर काम करेगा मान लिया जाए सपोज दैट एक हमारे पास कर्व टाइप का बॉडी इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कोई ऐसा बॉडी रखा है जो कांटेक्ट में ऐसे इसी शेप में हो तो यहाँ पे जो रिएक्शन डेवलप होगा ये इस कांटेक्ट सरफेस पे यहां पे परपेंडिकुलर होगा और भाई परपेंडिकुलर हम लोग जानते हैं किसी भी सर्कुलर पाथ का जो परपेंडिकुलर है वो सेंटर से पास होकर यानी ये जो रिएक्शन हमारे पास काम किया ये ऐसे ये रिएक्शन हमारे पास सेंटर से होकर ये मैं यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तो रिएक्शन है हमारे पास तो रिएक्शन का डायरेक्शन देखना पड़ेगा रिएक्शन भी एक फोर्स है

एक्शन की, की वजह से जिस भी क्रिया की वजह से रिएक्शन प्रतिक्रिया उत्पन्न होगा वह उसके परिमाण के बराबर होगा दूसरी बात तो उसकी दिशा एक्शन के क्रिया के विपरीत होगी और तीसरी बात कि हमारे पास जिस भी कॉन्टेक्ट सरफेस पर काम करेगा उस कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर होगा जहां पर भी दो कॉन्टेक्ट सर्फेसिस मिलेंगे उस परपेंडिकुलर होगा लंबवत होगा इसीलिए इसी इसी का इसका जो नाम है हम लोग नॉर्मल रिएक्शन भी कहते हैं और कहीं कहीं बुक में आप देखेंगे इसको एन से भी डिनोट किया जाता है एन का मतलब है नॉर्मल रिएक्शन नॉर्मल रिएक्शन अभिलंब प्रतिक्रिया क्या बोला जाता है भाई अभिलंब प्रतिक्रिया तो नॉर्मल रिएक्शन रिएक्शन ही है इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि रिएक्शन जहां पर काम कर रहा होता है वो कॉन्टेक्ट सर्कल ठीक है तो इस तरीके से हम लोगों ने न्यूटन का फर्स्ट सेकंड और थर्ड लॉ हम लोगों ने देख लिया जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये पूरा मैकेनिक्स जो भी हम लोग देखेंगे पूरा मैकेनिक्स हम लोग इसी तीन लॉ पर ही आधारित है या फिर कहीं पर भी अगर फोर्सेस काम करना है सिंपल सी बात है

के लिए हम लोग वहां पे रिएक्शन के बारे में हम लोग बात करते हैं सपोर्ट का रिएक्शन हो जाता है डिफ्लेक्शन कितना होगा उसमें इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स कितना डेवलप होगा क्योंकि उसमें मोशन तो हो नहीं रहा है उसका अपोज हो रहा है तो अगर अपोज होगा तो उसमें फोर्स डेवलप होगा और इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया ही हमारे ठीक है तो ये हम लोग आगे के टॉपिक्स में पढ़ेंगे अब हम लोग देखते हैं इसका अगला नियम हम लोगों ने ये कहा था मैकेनिक्स को पढ़ने के लिए हम लोगों को तीन लॉ की आवश्यकता है एक चौथा लॉ भी है हालांकि नहीं, नहीं है लेकिन प्रिंसिपल का नियम। का नियम क्या है यदि बल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक हमें अगर स्थानांतरित करना हो तो हम लोग कैसे करेंगे और उसके लिए क्या क्या नियम है ये हम लोग को देखना तो लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेज ये कहता है देखो पहले हम लोग ये बताएं, मैंने आप लोगों को फोर्स के बारे में एक चीज बताया था कि फोर्स को कंप्लीटली रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास चार पैरामीटर की रिक्वायरमेंट होती है अगर आपको याद हो तो मैग्नीट्यूड देख लेते हैं मैग्नीट्यूड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन लाइन ऑफ एक्शन एंड डायरेक्शन ठीक है तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हम लोग ये कहें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फोर्स की बात करें मैग्नीट्यूड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन लाइन ऑफ एक्शन एंड डायरेक्शन इसके लिए हम लोगों ने एक डायग्राम भी देखा था ये हमारे पास लाइन ऑफ एक्शन है जो कि इन्फेनाइट लेंथ की होती है और हमारे पास ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है जहां पे ये फोर्स काम करता है और ये डायरेक्शन जो एरो हेड होता है वो डायरेक्शन बताता है और यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ होता है वो क्या बताता है हमारे पास फोर्स बताता है ये इसका मैग्नीट्यूड है तो फोर्स को कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए हमें चार पैरामीटर की रिक्वायरमेंट है जब यहाँ पे बोला था कि जो तो क्रिया रेखा है वो, वो रोल प्ले करता है वो क्या हमारे पास कहता है हम लोग देखते हैं लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी फिर से एक बार सुनेंगे ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस तो ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी का मतलब स्थानांतरण बलों के स्थानांतरण का नियम यह कहता है कि अगर कोई भी दृढ़ पिंड पर दृढ़ पिंड को मार्क करेंगे हम लोग आगे इसको डिस्कस करेंगे भी, किसी भी दृढ़ पिंड पर यदि कोई बल कार्य करता है तो बल को उसके क्रिया रेखा में कहीं पर भी स्थानांतरित किया जा सकता है मतलब यह है अगर कोई हमारे पास रिजिड बॉडी है कैसा बॉडी है रिजिड बॉडी होना चाहिए कंडीशन इज दैट बॉडी शुड बी रिजिड बॉडी हमारे पास क्या होना चाहिए रिजिड होना चाहिए इस पर हम लोगों ने एक फोर्स लगाया तो आप लोग जानते हैं कि फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन होता है जिस लाइन के अलॉन्ग काम करता है उसी को हम लोग लाइन ऑफ एक्शन तो ये फोर्स एफ जो है वो यहाँ पर काम कर रहा है ये पॉइंट ए और इस पॉइंट ए पर फोर्स काम कर रहा है और इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये जो है क्रिया रेखा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ क्रिया रेखा पढ़ चुके हैं अगर हम लोग ये कहें कि ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ए है और इस बल को हमने यहां पर लगा हुआ माना है तो मान लिया जाए कि हम इस बल को यहां पे स्थानांतरित करना चाहते हैं इसी के क्रिया रेखा पर अगर यहाँ पर एक बल हम लोग इस तरीके से लगा दें और एक बल यहाँ पर ऐसे लगा दें अपोजिट डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड तो ये और ये एक दूसरे को क्या कर देंगे कैंसिल आउट कर देंगे और इसका नेट इक्विवेलेंट हमारे पास जो फोर्स आ जाएगा यानी इस बी पॉइंट पे फोर्स हमारे पास लग जाएगा बॉडी अगर हम लोग ले लें तो यहां पर इस डायरेक्शन यहाँ पर और इसका लाइन ऑफ एक्शन वही होगा जो पहले वाले फोर्स के लिए जो था और इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं तब अगर किसी दृढ़ बॉडी पे तो फोर्स के क्रिया रेखा में हम लोग उस बल को कहीं पर भी स्थानांतरित कहीं पर भी लगा हुआ मान सकते हैं मानने से उसका इफेक्ट उसका जो वर्क है वो परिवर्तित नहीं होगा मतलब बल का जो काम कर रहा है वो उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे इसी को कहते हैं बलों के स्थानांतरण का नियम यहां से एक प्रश्न बनता है वो प्रश्न क्या है वो हम लोग देखते हैं किसी बॉडी को पुश करना इजी है कि पुल करना इजी है किसी पिंड को खींचना आसान है कि ढकेलना आसान है

फोर्स का जब नेचर बता रहे थे तभी तो ये क्या कर रहा है देखो फोर्स पीछे है और बॉडी आगे है तो ये क्या कर रहा है ढकेल रहा है पुश कर रहा है तो लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ये कहता है कि अगर इसका लाइन ऑफ एक्शन सेम है उसी लाइन ऑफ एक्शन में हम लोग इस फोर्स को कहीं पर भी लगा हुआ मान सकते ये लाइन ऑफ एक्शन है पहले ए पर काम कर रहा है अब हम लोग दूसरी बार में यह कहें कि बी पर काम कर रहा है ये फोर्स इसको खींचने का, का काम कर रहा है और ये फोर्स इसको ढकेलने का काम दोनों का अगर मैग्नीट्यूड बराबर है तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ट्रांसमिशबिलिटीज हमारे पास ये दोनों सेम इफेक्ट देंगे मतलब समान प्रभाव देंगे और अगर समान प्रभाव देंगे तो खींचना और ढकेलना दोनों सेम होगा अगर बॉडी रिजिड है तो समझ गए अब सर कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं हम लोग ऐसे खींच लेंगे ऐसे तो ये तो लाइन ऑफ एक्शन था हम लोग इस तरीके से धकेलने का काम कर रहे हैं और इस तरीके से खींचने का काम कर रहे हैं तो भाई ये दोनों अलग अलग इफेक्ट देगा ये एफ है ये भी एफ है ये इसका इफेक्ट अलग आएगा और इसका इफेक्ट अलग आएगा क्यों सर इसमें क्या दिक्कत हो गया इसमें दिक्कत ये हो गया भाई कि इनका लाइन ऑफ एक्शन दोनों फोर्सेस का क्रिया रेखा जो है वो अलग अलग है ये डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन में है ये डिफरेंट ऑफ लाइन ऑफ यानी फोर्स तो मैग्नीट्यूड में परिमाण में बराबर है यानी अगर हम किसी को दबा करके खींच मतलब ढकेल रहे हैं और इस किसी को उठा करके हम खींचने का कोशिश कर रहे हैं ये इसका मीनिंग है लेकिन अगर हमारे पास इसी डायरेक्शन में अगर हम लोग इसको इस तरीके से खींचने का कोशिश किए होते ये ढकेल रहे हैं अगर ये खींच रहे होंगे तो इसका और इसका इफेक्ट सेम आता लेकिन अगर ये और ये दोनों अगर हमारे पास पार्ट हैं तो इसमें हमारे पास अलग अलग इफेक्ट आएगा तो इस अवस्था में खींचना ज्यादा आसान होगा और ढकेलना ज्यादा टफ होगा अगर ये हम लोग अर्थ सर्किल बात कर रहे हैं बात समझ गए बिल्कुल हम लोग को यह ध्यान रखना है कि खींचना और ढकेलने में अगर फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन सेम है तो उसका इफेक्ट खींचना और ढकेलना दोनों सेम देगा एंड पुशिंग विल गिव द सेम इफेक्ट वेन द अप्लाइड फोर्स हैव कॉमन लाइन ऑफ एक्शन अगर समान क्रिया रेखा है एक ही क्रिया रेखा में अगर ढकेलने वाला फोर्स यानी पुश, पुशिंग फोर्स एंड पुलिंग फोर्स अगर लग रहा है हमारे तो पास सेम इफेक्ट देंगे उसमें कोई परिवर्तन ठीक है में हम लोग देखते हैं इस पे एक क्वेश्चन भी है इसका हम लोग एक डायग्राम देखें ये हमारे पास एक बॉडी है ये बॉडी हमारे पास ए, इस बॉडी पर ए पॉइंट पर फोर्स लग रहा है और इस ए पॉइंट पर फोर्स हमारे पास इसको क्या कर रहा है बताइए इसको ये क्या कर रहा है इसको ढकेलने का कोशिश कर रहा है कैसे पता चला सर क्योंकि बॉडी आगे है और फोर्स क्या है पीछे है तो हमारे पास इसको ये पुश कर रहा है ठीक, अब हम लोगों ने इसको इक्विवेलेंटली एक इक्विवेलेंटली हम लोगों ने इसका ये डायग्राम बनाया मान लिया जाए कि एक फोर्स यहां पर हम लोगों ने इस डायरेक्शन में लगा दिया ये लगा ही था हम बी पॉइंट पे दो फोर्स एफ और एफ मान लिया जाए पांच न्यूटन का है हमने कह दिया कि फाइव न्यूटन का है तो फाइव न्यूटन का हम लोगों ने फाइव न्यूटन का हम लोगों ने अपोजिट डायरेक्शन में मान लिया जाए कि ये फाइव न्यूटन का फोर्स है और यहाँ पर हमने फाइव न्यूटन का इक्वल एंड अपोजिट फोर्स सेम लाइन ऑफ एक्शन आ दिया ये फोर्स न्यूटन की फोर्स और फाइव न्यूटन इन तीनों का रिजल्ट है, देखो ये इधर लग रहा है इधर लग रहा है कर देते हैं। तो यहाँ पे कैंसिल हम इन दोनों को तो इन दोनों को अगर कैंसिल करा दिया तो ये फोर्स हमारे पास बच गया ये फोर्स हमारे पास क्या हो गया बच गया इसका मतलब क्या है कि फोर्स जो यहाँ पे लग रहा था वो स्थानांतरित हो गया बी पॉइंट पर तो इसी क्रिया रेखा, रेखा जो होना चाहिए अगर क्रिया रेखा सेम है तो खींचना और ढकेलना अगर पिंड हमारे पास रिजिड है तो खींचना और ढकेलना प्रभाव होगा सर ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन तो देखते हैं का क्वेश्चन है इसको हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे ठीक अभी हम लोग जहां पर भी बात किए न्यूटन का फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ थर्ड लॉ तो हम लोगों ने यह बात किया कि एक फोर्स क्या करेगा फोर्स को हम लोगों ने डिफाइन किया और फोर्स के बारे में हम लोगों ने कहा कि उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा डायरेक्शन होगा वो क्या क्या इफेक्ट कर सकता है इस तरीके से फोर्स लगा प्लस फोर्स लगाने से किसी बॉडी में क्या चेंज हो सकता है लेकिन अब अब हम लोग को यह पढ़ना है कि अगर एक या एक से अधिक फोर्स दो या दो से अधिक फोर्सेस अगर किसी बॉडी पर काम करेंगे तो उनका क्या इफेक्ट होगा किस तरीके से उनको हम लोग डिफाइन करेंगे उनका परिणामी कैसे निकाला जाएगा उनका क्या क्या इफेक्ट आएगा उन चीजों को हम लोगों